हम लोग बचपन से एक ही चीज सुनते आ रहे हैं और एक ही चीज बोलते आ रहे हैं कि मेरा सपना ऐसा है, मेरा सपना वैसा है, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन दोस्त, सही में आपको पता है क्या सपना और लक्ष्य में क्या अंतर है? बोले तो डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड ड्रीम, इन दोनों में क्या अंतर है? आज सही तरीके से जानना है और समझना है, क्योंकि दोस्त हम लोग अक्सर बोलते हैं कि मेरे को लाइफ में ऐसा बनना है, मेरे को लाइफ में वैसा बनना है, मेरा सपना ये है और मेरा सपना वो है, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो दोस्त, आज सही तरीके से समझ लेना है कि सपना और लक्ष्य जो होता है कोई अलग अलग चीज़ नहीं होता है दोस्त, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आप सही से समझने की कोशिश करना, आप सही से समझ पाओगे दोस्त, बहुत ही सही तरीके से समझना होगा। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि अपना सपना ऐसा है वैसा है, मैं इसका जैसा बनना चाहता हूँ, उसका जैसा बनना चाहता हूँ। तो दोस्त, जानते हो सपना क्या है? हम लोग बचपन से जो भी सपना देखते हैं ना, बचपन में हजारों सपना देखते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे अपना सपना भी बढ़ता है और अपना सपना भी बदलता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन उन्हीं सपनों में से कोई एक सपना हम लोग को पसंद आ जाता है, कोई चीज़ जो हम लोग देखते हैं उसके जैसा बनना है, उसी में से एक सपना आपका टारगेट बनता है दोस्त। क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है, सपना देखोगे कि मेरे को इसके जैसा बनना है तभी तो टारगेट पूरा होगा, टारगेट तो वहीं से मिलेगा ना दोस्त। तो दोनों एक ही चीज़ है, बस आप इसको सही तरीके से समझ लेते हो तो आप सही तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि बहुत सारे बंदे अपने सपना और लक्ष्य में कोई अंतर ही नहीं समझते और हमेशा अपने ड्रीम के पीछे भागते रहते हैं और टारगेट को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्त, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में एक कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस समझना है उस चीज़ को, सही तरीके से समझ पाओगे। सपना और टारगेट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्त। सपना हमेशा सोने के बाद देखा जाता है और इंसान का टारगेट जो होता है, जो लक्ष्य होता है ना, रातों को जग के पूरा किया जाता है दोस्त। बड़ा सिंपल सा बात है इसको समझने के लिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक लाइन में समझ सकते हो कि सपना रात में सोने के बाद देखा जाता है और लक्ष्य अपना रातों का नींद उड़ा देता है और रात में जग के पूरा किया जाता है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा बात है दोस्त, अगर सपना देखने से सब कुछ मिल जाता है तो आज इस धरती पे सपना देखने वाला हजारों नहीं लाखों में है। तो दोस्त, अगर सपना देखने से सब कुछ मिलता तो आज सपना देखने वाला हर एक व्यक्ति करोड़पति होता है। लेकिन दोस्त, हम लोग अपने लाइफ के रिगार्डिंग कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्त, आप सही तरीके से समझ चुके होंगे कि जो भी अपना ड्रीम होता है, टारगेट होता है, उसमें कुछ खास अंतर नहीं होता है। लेकिन हम लोग ना समझ के कारण उस चीज़ को बहुत ही लंबा चौड़ा खींच देते हैं और बहुत बना देते हैं, जिसके कारण ना तो टारगेट पूरा होता है ना ही सपना पूरा होता है। तो दोस्त, आप सही तरीके से समझ गए होंगे तो आपको सही तरीके से पता चल गया होगा कि ड्रीम और टारगेट में क्या अंतर है। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कॉन्टेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक